भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। प्रिय सज्जन, भगवान श्रीकृष्णंकर मुखारविंदर निश्रुत समग्र विश्वर अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानर अमूल्य ग्रंथ श्रीमद भगवत गीता, जो गीतार ज्ञान को आपण मान आगे सर्वधोगम्य भाव रे परिप्रकाश करवा धृष्टता आम नहींचु आपण मान निकट क्षमा प्रार्थी। यही ये गीतार ज्ञान को पूर्ण रूप से आपण मान आगे नदे पारे जी भगवत कृपा से जदि आम बुझीजा ना आम जीवन आमर मंगलमय हो। बड़ सुंदर भाव रे विषादित अर्जुन जेते बड़े भगवान कर शरणापन्न हो गले कहिले आपण मते जहाँ मोर मंगल हब जो कर्म कले समाज मंगल हब आ मोर हित हब हे सखा आपण से करतु किंतु मु युद्ध करी ना। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते हे सखा तुम्हें एते क्लैव्य अर्थात एते कहीं निजक हीन मन करमें गांभीर्यपूर्ण शरीर एवं मनोभावना नहीं जमती युद्ध करने अग्रसर होती से प्रस्तुत हो जाओ कारण शोक करुछ आड़े दुख करुछ आउ गोटे पटरे तुम्हें ज्ञानी गुणी पंडित पड़ी कथा कौच दुईटा को केवे ठीक हेनी आउ मन रख अर्जुन ए कारण जो मान प्राण प्राण जा नजाइवा उभयों पर ज्ञानी गुणी पंडित माने केवेले चिंता करती ना। तुम्हें तो पंडित भाई ज्ञान कथा कौच आड़े दुख करुच ये तो असंभव। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एभली भाव कथाटा को नौचंती अर्जुन से कहते तेबे कौन एमानंकर प्राण चली जाइछि। भगवान कहते प्राण कौन जीव आत्मार कथा भगवत गीता रे आत्मार स्वरूप कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन का आगरे परिप्रकाश करुछंती कले शुण नत्वाहम जातु नासं न त्वं नयमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयः मतः पुरम कले शुण ए चराचर जगत रे कौनसी काल रे मु नथिलि कि तुमे भी नथिल अथवा ई राजा माने मध्य नथिले तुमर विपक्ष शत्रु मान नथिले बा तांकर विपक्ष तुमे माने मध्य नथिल आउ पुणी एपरि मध्य घटिबो नाही जे भविष्यत रे आमे रहिबा नाही। कम बड़ कथा भगवान कहिसंती वास्तव सत्यर परिप्रकाश प्रभु करुछंती। भगवान ए कथा कहिवार पछरे ए आत्मार नित्यता संपर्क रे परिप्रकाश करिवार मूल उद्देश्य थिला। कहले हे सखा देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। एक अमूल्य उपदेश भगवान दौ समाज को कहे देही न अस्मिन यथा देहे अर्थात घटरु घट को आत्मा छुटे आत्मा छुटी गले मृत्यु घटे पुराणा वस्त्र को परित्याग करी नूतन वस्त्र को परिधान सुन गीता ज्ञान सुन गीता ज्ञान सुन गीता ज्ञान दुई बंधु गुरु शिष्य होइछंती दुई बंधु गुरु शिष्य होइछंती कृष्ण भगवान अर्जुन सुन गीता ज्ञान सुन गीता ज्ञान आत्मार विनाश घटे नाही। कहले हे सखा तुम्हें जो मरीजा मृत्यु मुताकू मारिदेवी से मत मारिदेवे हत हो आम द्वारा मन रख
ए आत्मा को केही केवे मारी परिनाती आउ ए आत्मा कौन ना देही न अश्विनी यथा देहे कौमारम जौवनम जरा जत बड़े ए शरीरटा माँ गर्भरे थिला माँ गर्भरु पद को आसिले ताकू शैशव अवस्था जत्ते बड़े आम शरीर रु शैशव अवस्था मरी जाए किशोर अवस्था जन्म निए किशोर अवस्था मरीगला परे जौवन अवस्था आसे जौवन अवस्था चलीगला परे बार्धक्य आसी जाए शैशव कैशोर जौवन बार्धक्य ए शरीर जमती शरीर गोटे अवस्था होची चारि सुना हे अर्जुन एक कथा होची सत्य तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुहति सेमती ए आत्मा गोटे देहरु जाई आउ गोटे शरीर को ग्रहण करे तेणु एथेरे विचलित होवार नहीं दृढ़ निश्चय हुए आत्मा केवे हेले मरे ना आत्मार विनाश आदौ नहीं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या स्थान्तिति खस्व भारत शीत उष्ण सुख दुख देउथिबा इंद्रिय आउ विषय मानक संजोग उत्पत्ति विनाशशील अनित्य तेणु हे भारत हे अर्जुन तुम्हें सेगुड़ी सही जाओ यहीटा केवल इंद्रिय मान धर्म आत्मार नुहे तेणु भगवत गीतार आत्मार स्वरूप को आहरी सरल कर भगवान कौन कही घट रु घट को आत्मा छुटे गोटे घट रु आउ गोटे घट को आत्मा चली जाए आउ वस्त्र जेद भरी पुणा हेले आम पुणा वस्त्र को परित्याग कर दे नुआ वस्त्र टे पिंधि दौ तदन रूप आत्मा ए शरीर को परित्याग कर दे नुआ शरीर प्रवेश करे जदि आपण माने कहिबे ते जणे किशोर वयस बा किशोरी तार तो शरीर रूपक वस्त्र कभी नष्ट होइ नथिबो ना आत्मा छाड़ी देला काही कि प्रिय सज्जन आमर कर्म कर्मर फल ए तृतीय अध्याय आलोचना हबो सेतेबेले जानिबे आत्मार स्वरूप जहाँ भगवान द्वितीय अध्याय कहते ताहा तृतीय अध्याय शंका समाधान हो तेणु से प्रिय सज्जन गीता को बुझा को हेले गीतार आनंद नवा को हेले आपण धीर स्थिर चित्तरे गीतार व्याख्या गुड़ी मन पका के आनंद लगे आ भगवान कहते अर्जुन श्रवण करे जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्मात् परिहार्यते नत्वम शोचितुमर्हसि साधारण कथाटे कहले हे अर्जुन ए संसार को जी जन्म होइछि ए संसार को जी जन्म हो आसी तार मरण होउछि निश्चित जातस्य हि ध्रुव मृत्यु आउ ध्रुवम जन्म अमृतस्य च जहाँ शरीर नष्ट होगला तार आत्मा पुनर्बार जन्म ने एणु तुम्हें आपको सोचना करना दुख करना कह पुणा वस्त्र को परित्याग करी नूतन वस्त्र को परिधान आउ कौन कहते जे जन्म पूर्वरु आत्मा अप्रकट जन्म पूर्वरु आत्मा अप्रकट मृत्यु परे आत्मा हुए शून्य शुण गीता ज्ञान जेते बड़े पिंड रु प्राण चली जाए आत्मा आज अन्य घटे प्रवेश करे तेणु तुम्हें गीता ज्ञान एतिक बुझ आत्मा होचंति अमर अमर एवं अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमान शरीर आउ आत्मा ना सत विद्युत भाव ना भाव विद्युते सतः उभय रूपी दृष्टम तो तन्मय तत्वदर्शी भगवत गीतार एक अमूल्य श्लोक भगवान कहले असत वस्तुर अस्तित्व नहीं जो वस्तुर सत नहीं तार अस्तित्व मध्य नहीं एवं सत वस्तुर अभाव मध्य नहीं
जहाँ सत्य जहाँ चिरंतन जहाँ नित्य तार अभाव केबे घटे ना आउ कौन हुए ना एपरी भाव रे ए जो सत एवं असत आकु तत्व तत्वज्ञानी पुरुष मानक द्वारा बुझा जाए हे अर्जुन तुम्हें निजको प्रस्तुत कर आउ तुमको युद्ध करिया पड़िबो युद्धाय कृत निश्चय। प्रिय सज्जन आर अध्याय देखिबा अर्जुन किभली भाव रे युद्ध प्रति प्रवृत्त होउचंती ना भगवान श्रीकृष्ण को आउ किछि जिज्ञासुर मनोभाव नै परिप्रश्न करुचंती सेहि समत अपेक्षा करि रहिलु। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।